ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और रुक करेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन बीजेपी के लाए गए अविश्वास प्रस्ताव पर लगभग 13 घंटे तक चर्चा हुई। सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच तीखी नोकझोंक देखने के बाद सदन की कार्यवाही कई बार रोकी गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के भाषण के दौरान विपक्षी विधायकों ने जमकर हंगामा किया और सदन से वॉकआउट कर दिया। और उसके बाद बहरगर्मी की वजह से वहां पर स्पीकर डॉक्टर चरणदास महंत के अविश्वास प्रस्ताव ही स्वीकार उनके द्वारा कर लिया गया। और इससे पहले नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने कहा कि प्रशासन की राजनीतिकरण और राजनीति का अपराधीकरण हो गया है। वहीं युवा कांग्रेस कार्यकर्ता किसान को धमकाता है, NSUI का पदाधिकारी थाने में मारपीट करता है, जशपुर में राष्ट्रपति के दत्तक पुत्र भूख के कारण फांसी के फंदे पर झूल रहे हैं और इन दत्तक पुत्रों का भी विश्वास सरकार खो दिया है। और वही कानून व्यवस्था को बद से बदतर कर दिया गया है। अविश्वास प्रस्ताव पर बीजेपी के हमलों के जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा 109 आरोप लगाए गए हैं लेकिन एक भी तथ्य वाले नहीं है। सीएम ने कहा कि अविश्वास प्रस्ताव लाकर इन्हें कुल्हाड़ी में पैर देना कहा जाता है। वही सीएम ने आगे उनके द्वारा कहा गया है कि मुझे पीड़ा है कि सत्ता में रहकर भी हम जीवन की जांच नहीं कर सकते हैं और परिवार को न्याय नहीं दिला सके, राज्य सरकार को जांच करने के लिए नहीं दे रहे हैं। सीएम ने कहा केंद्र सरकार को कोयले से गैस निकालने की मंशा थी और हमने सफल नहीं होने दिया। हमने वो एक इलाका जो है वो हेलीपैड कॉरिडोर बना दिया गया और इसके लिए इनकी साजिश सफल नहीं हो पाई और इसी सारी एजेंसियों का उनके द्वारा इस्तेमाल किया गया। प्रस्ताव पर चर्चा हुई, माननीय ब्रिजमोहन जी ने चर्चा हमारे तरफ से प्रारंभ किया है। देखिए क्या है, अविश्वास प्रस्ताव हमने 109 बिंदुओं का सदन में प्रस्तुत किया। कायदा यह है कि हमारे एक एक बिंदु का जवाब उनको देना चाहिए, लेकिन दुर्भाग्य यह है कि वो मणिपुर ले जाते हैं अविश्वास प्रस्ताव को, दिल्ली ले जाते हैं घुमाने के लिए, महामहिम राज्यपाल के यहां ले जाते हैं। हमने तो इसका जिक्र ही नहीं किया है, न उसमें भारत सरकार का जिक्र है, महामहिम का जिक्र है। अविश्वास प्रस्ताव पर बिंदुवार चर्चा होती है और सरकार के मंत्रियों को, अगर वो चर्चा में भाग लेते हैं, अगर मुख्यमंत्री जी उसका उत्तर देते हैं, तो चर्चा के बिंदुओं पर बात होनी चाहिए। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के अंतिम दिन सरकार के खिलाफ लाए गए विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा की गई। विपक्ष की ओर से विधायक ब्रजमोहन अग्रवाल ने बहस शुरू की और वही बहस की शुरुआत से ही सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी नोकझोंक देखने को मिली। छत्तीसगढ़ विधानसभा में अविश्वास प्रस्ताव के साथ विपक्ष ने 109 बिंदुओं का आरोप पत्र रखा। विपक्ष की ओर से पूर्व मंत्री ब्रिजमोहन अग्रवाल ने एसटीएससी युवाओं के नग्न प्रदर्शन को सरकार का फेलियर बताते हुए अपनी बात शुरू की। उन्होंने सदन में कुछ ऐसे शब्दों का प्रयोग किया जिसे विधानसभा अध्यक्ष ने विलोपित कर दिया। पूर्व मंत्री और विधायक ब्रिजमोहन अग्रवाल ने कहा कि गूंगी बहरी सरकार को सुनाने के लिए अंग्रेजों के शासनकाल में नौजवानों ने धमाका किया था। आज छत्तीसगढ़ में काले अंग्रेजों का शासन है, उन्हें जगाने के लिए प्रदेश के नौजवानों ने नग्न प्रदर्शन किया है। सत्ता पक्ष ने भी विपक्ष के आरोपों का आक्रामक रूप से जवाब दिया। विपक्ष द्वारा लाए गए अविश्वास प्रस्ताव को लेकर उप मुख्यमंत्री टीएस सिंहदेव ने कहा कि वरिष्ठ सदस्यों से उम्मीद नहीं थी कि अशोभनीय भाषा का प्रयोग करेंगे, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। अविश्वास प्रस्ताव में 109 बिंदु हैं, पर इसमें आधार नहीं दिख रहा है, कोई ठोस बातें नहीं है। नेता प्रतिपक्ष चंदेल ने कहा कि सरकार के जितने घपले घोटाले हैं अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है। इसमें आधार नहीं दिख रहा, कोई ठोस बातें हो, हम लोग का समय बहुत लग जाता है जवाब तैयार करना, आप समझिए कि सारे विभाग लगे हुए हैं इसमें बिंदुवार जवाब देना, कोई भी बात ऐसी नहीं है जिसमें तथ्य है। जो कम से कम मैंने अपने विभाग का देखा, कहीं कोई ऐसी बात नहीं है। ये सरकार तो भ्रष्टाचार के आतंक में डूबी हुई सरकार है, उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही है। आज भ्रष्टाचार तो इतना ज्यादा बढ़ गया है कि जो नौजवान है पीएससी में भ्रष्टाचार, हमारे कैंपा में भ्रष्टाचार, कोयले में भ्रष्टाचार, शराब में भ्रष्टाचार, सरकारी नौकरियों में भ्रष्टाचार, और इससे आज पूरे छत्तीसगढ़ का
युवा दुखी है, व्यथित है। अविश्वास प्रस्ताव का आशय यह है कि सरकार की जितनी कारगुजारी है, सरकार ने इस 4.5 साल पौने 5 साल में जितना करप्शन किया है, जितना घोटाला किया है, छत्तीसगढ़ में आम आदमी के साथ में जो अन्याय हुआ है, अत्याचार हुआ है, अविश्वास प्रस्ताव उसका प्रतिबिंब है, उसका आईना है, उसका दर्पण है। अविश्वास प्रस्ताव के माध्यम से भाजपा जहां सरकार की घेराबंदी करती हुई नजर आई है, तो सत्ता पक्ष ने भी पूरे दमखम के साथ विपक्ष के आरोपों का जवाब दिया। मगर बीजेपी ने सदन में सरकार के भ्रष्टाचार को उठाते हुए साफ कर दिया है कि चुनावी मैदान में भी इन मुद्दों को लेकर भाजपा जनता के बीच जाएगी। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़े की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ विधानसभा के मॉनसून सत्र के चौथे दिन प्रश्नकाल के दौरान गोठान और गोबर के मुद्दे पर तीखी नोकझोंक देखने को मिली। सदन में बीजेपी विधायकों ने सत्ता पक्ष पर आरोप लगाते हुए कहा कि छत्तीसगढ़ का गोठान गोबर घोटाला चारा घोटाले में बड़ा घोटाला किया गया। नेता प्रतिपक्ष नारायण चंदेल ने शुक्रवार को विधानसभा के प्रश्नकाल में कहा कि उनके गोठान से संबंधित प्रश्न की जानकारी गलत दी गई है। उन्होंने कहा कि सरकार ने अपूर्ण गौठानों की वस्तु स्थिति को छुपाने के लिए गलत जानकारी दी है। जवाब में कृषि मंत्री ताम्रध्वज साहू ने कहा कि जानकारी बिल्कुल सही दी गई है, कोई गड़बड़ी नहीं है। मंत्री ने बताया कि प्रदेश में 10,336 गौठान स्वीकृत हैं, इसमें से 10,240 गौठान बन गए हैं, 84 गौठान नहीं बने हैं। 2 जनवरी 2019 से 30 जून 2023 तक कुल 1,23,19,845 क्विंटल गोबर खरीदा गया है, जिसकी राशि 24,639 लाख भुगतान की गई है, जबकि 291 करोड़ से ज्यादा गोबर बेचा गया है, इसमें नुकसान नहीं बल्कि फायदा हुआ है। मंत्री के जवाब पर भाजपा विधायक सौरभ सिंह ने पूछा कि करीब 246 करोड़ का गोबर खरीदा गया है और सरकार की ओर से 17 करोड़ का गोबर बेचा गया है, फिर 229 करोड़ का गोबर कहां गया? ये चारा घोटाला से भी बड़ा गोबर घोटाला है। प्रदेश में कुल गोबर खरीदी का आपने बताया भुगतान 286 करोड़ रुपए आपने जानकारी दी है गोबर खरीदी का, और मैंने जब उसकी जानकारी ली तो वो आपने बताया उसके विरुद्ध निर्मित वस्तुओं की बिक्री ये 17 करोड़ रुपए उसमें आ रहा है, 286 करोड़ और 17 करोड़ बिक्री कितने की हुई? 17 करोड़। अब ये बताओ मुझे आप, 229 करोड़ रुपए बचा हुआ है वो कौन रखा है यहां पर, ये बताए इसमें से कोई रखा है क्या 229 करोड़ रुपए? उसके बारे में आप मुझे जानकारी दे दो। ग्रोवर जो क्रय किया अध्यक्ष जी, उसकी राशि भी बता देता हूं, 246 करोड़ 39 लाख का हम लोगों ने गोबर क्रय किया, जो इतना खरीदे हैं उसकी हमने गोबर बेचा माननीय अध्यक्ष महोदय, उसमें 291 करोड़ 70 लाख का बेचा, कुल हमारे लोगों को समूहों को 45 करोड़ का इस दरमियान फायदा हुआ है, और ये जानकारी मैं पटल में रखा दिया हूँ उसमें है। इस मुद्दे पर सदन में बात यही नहीं थमी। शिवरतन शर्मा, धर्मलाल कौशिक ने भी तंज कसते हुए सवाल दागे। सदन में मंत्री ने जवाब दिया जिससे विपक्ष असंतुष्ट नजर आया और जमकर नारेबाजी की, साथ ही सरकार पर घोटाले का एक और आरोप जड़ दिया। रायपुर से INS 24/7 के लिए स्वप्निल गौरखेड़ी की रिपोर्ट। छत्तीसगढ़ में चुनावी हलचल तेज हो गई है। बीजेपी का केंद्रीय नेतृत्व भी चुनाव के पहले बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने के लिए पूरी तरीके से ताकत लगा रहा है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज एक बार फिर से छत्तीसगढ़ के दौरे पर आ रहे हैं। तय कार्यक्रम के अनुसार अमित शाह आज शाम को 7:50 पर रायपुर पहुंचेंगे और एयरपोर्ट से सीधे कुशाभाऊ ठाकरे परिसर जाएंगे और इस दौरान पार्टी के सीनियर नेताओं के साथ बैठक करेंगे। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह रविवार को सुबह 10:45 पर दिल्ली के लिए रवाना होंगे।
जशपुर में शुक्रवार को बीजेपी के राज्य सह प्रभारी नितिन नबीन ने आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर पार्टी संगठन की बैठक में भाग लिया और इस दौरान जिले में एक बार फिर से कमल खिलने की रणनीति पर काम करने के लिए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया गया। उनके द्वारा कार्यकर्ताओं से कहा गया कि वे फिर से कमल खिलाने का लक्ष्य लेकर ही काम करें। वहीं उन्होंने आगे कहा कि पत्थलगांव को नया जिला बनाने के लिए और साथ ही अन्य जिलों के विकास पर भी बीजेपी कार्य योजना बनाकर काम करेगी। साथ ही नितिन नवीन ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। रणनीति तैयार कर रही है, विधानसभा में किस स्वरूप में हम जाएंगे, विधानसभा में हर छोटी संगठन की स्थिति जिस प्रकार से स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रति लगातार आक्रोश दिख रहा है और लगातार स्थानीय जनप्रतिनिधि के प्रति आंदोलन भी हो रहे हैं, तो पूरे राज्य में जो वातावरण बना हुआ है कि भूपेश सरकार ने जो 36 वादे किए वो छलने का काम किया, हर क्षेत्र में उसकी प्रतिक्रिया दिख रही है। छत्तीसगढ़ के सभी आईएएस 22 से लेकर 24 जुलाई तक रायपुर में जुटेंगे। 3 दिवसीय आईएएस कॉन्क्लेव राजधानी रायपुर में होगा और इस कॉन्क्लेव में चीफ गेस्ट के तौर पर मुख्यमंत्री भी मौजूद रहेंगे। 22 जुलाई की शाम से कॉन्क्लेव की शुरुआत होगी और 24 जुलाई को जाकर खत्म होगी और इस कॉन्क्लेव में शामिल होने के लिए सामान्य प्रशासन विभाग के आदेश भी जारी कर दिए गए हैं। 24 जुलाई को आईएएस अफसरों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों के अलावा डिनर भी होगा। मनेंद्रगढ़ में हिंदू जागरण मंच ने पुलिस कर्मी पर धर्मांतरण करने का आरोप लगाया है। हिंदू जागरण मंच के जिला अध्यक्ष आकाश दुआ ने प्रेस वार्ता कर यह आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि धर्मांतरण कराने का वीडियो सोशल मीडिया में अपलोड था और इसे पुलिस अधिकारी ने दबाव बनाकर डिलीट करवाया। साथ ही उन्होंने पूरे मामले में पुलिस पर कार्रवाई नहीं करने का आरोप लगाया। उधर पूरे मामले को लेकर एएसपी निमेश बरेया ने पुलिसकर्मी विमल तुर्की के द्वारा नोटिस जारी कर दिया गया और एसपी सिद्धार्थ तिवारी ने कहा शिकायत पर त्वरित संज्ञान लिया जाए और नोटिस का जवाब आने के बाद नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए। फ्लोर में जो धर्मांतरण का विषय आया था इस पर हमने अपनी जानकारियों से सूत्रों से ये जानकारी ली है, जो व्यक्ति धर्मांतरण करा रहा है वो पुलिस का एक सिपाही है जिसका नाम विमल तिर्की बताया जाता है, जो यहाँ पुलिस लाइन नामा खेवरों में फिलहाल पदस्थ है और इस पर हमने शिकायत की थी 13 जुलाई को एसपी कार्यालय में, जिसके बाद पुलिस के आला अधिकारियों ने जो मैंने वीडियो सोशल मीडिया पर डाला था उसे दबावपूर्वक डिलीट करवा दिया गया मुझसे और इस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की है पुलिस विभाग। इसके अंदर हमारे पास शिकायत दी गई थी, उसका त्वरित संज्ञान भी लिया गया है और उसके ऊपर हमने प्राथमिक जांच भी आदेशित कर दी है। प्राथमिक जांच में जो तथ्य सामने आएंगे उसके ऊपर कार्यवाही की जाएगी। अब इस वक्त की अगली और बड़ी खबर जो है मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है, सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की हुई मौत। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में व्यक्ति की मौत हुई है, ड्यूटी में कई डॉक्टर वहां पर मौजूद नहीं थे, ये भी आरोप लगाया गया है। पार्षद पप्पू हुसैन वार्ड वासियों के साथ थाने में बैठकर धरने पर बैठे हैं। डॉक्टर सुरेश तिवारी के खिलाफ थाने में नारेबाजी भी की गई है। ये हम आपको बड़ी और अहम जानकारी जो है मनेंद्रगढ़ से बता रहे हैं। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो चुकी है। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में व्यक्ति की मौत हुई है, ड्यूटी पर नहीं मौजूद थे कोई भी डॉक्टर, ये परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी जो है मनेंद्रगढ़ से हम आपको बता रहे हैं। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि वहां पर नारेबाजी भी की गई और प्रदर्शन किया गया। मनेंद्रगढ़ से ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो चुकी है, इलाज के दौरान मौत हुई है। परिजनों का आरोप है कि ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर जो था मौजूद नहीं थे।
तो ये मनेंद्रगढ़ से बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। ड्यूटी पर कोई भी डॉक्टर मौजूद नहीं थे, ये परिजनों का आरोप है। पार्षद पप्पू हुसैन भी वहां पर थाना स्थल पर मौके पर मौजूद है। डॉक्टर सुरेश तिवारी पर यह आरोप लगा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला हम आपको बता रहे हैं। सड़क दुर्घटना में घायल व्यक्ति की मौत हो गई है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। परिजनों का आरोप है कि इलाज के अभाव में मौत हुई है। ड्यूटी पर नहीं मौजूद थे कोई भी डॉक्टर, ये परिजनों के द्वारा कहा गया है। पार्षद पप्पू हुसैन वार्ड वासियों के साथ थाने के सामने जो है धरना प्रदर्शन में शामिल हुए हैं। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है। तस्वीरों के माध्यम से भी आप देख सकते हैं कि थाने के सामने बड़ी संख्या में परिजनों के साथ ग्रामीण और वहां पर पार्षद भी मौजूद है। धरना प्रदर्शन किया जा रहा है, नारेबाजी की जा रही है। डॉक्टर सुरेश तिवारी के खिलाफ यहां पर प्रदर्शन किया जा रहा है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला जो है हम आपको बता रहे हैं, मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है बड़ी खबर है। परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है कि इलाज के अभाव के कारण व्यक्ति की मौत हुई है। ड्यूटी के दौरान जो है डॉक्टर कोई भी वहां पर मौजूद नहीं था, ये परिजनों के द्वारा आरोप लगाया गया है। ये बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, मनेंद्रगढ़ से सामने आ रही है। सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का ये पूरा मामला है जो हम आपको बता रहे हैं। अब अगली और बड़ी खबर रायपुर से सामने आ रही है। निलंबित IPS GP सिंह अनिवार्य सेवानिवृत्त, इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य सेवानिवृत्त, बर्खास्त करने पर छत्तीसगढ़ सरकार ने की थी सिफारिश। GP सिंह के खिलाफ EOW में दर्ज किया है केस, कोतवाली थाने में दर्ज किया गया है मामला पूरा। इस वक्त की बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। निलंबित IPS GP सिंह अनिवार्य सेवानिवृत्त, केंद्र सरकार ने किया अनिवार्य सेवानिवृत्त, बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं। बर्खास्त करने पर छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सिफारिश भी की गई थी। GP सिंह के खिलाफ EOW के द्वारा सिफारिश की गई थी, कोतवाली थाने में दर्ज किया ये पूरा मामला। निलंबित IPS GP सिंह अनिवार्य सेवानिवृत्त, केंद्र सरकार के द्वारा अनिवार्य सेवानिवृत्त किया गया था। बर्खास्त करने के बाद छत्तीसगढ़ सरकार के द्वारा सिफारिश भी की गई थी। GP सिंह के खिलाफ EOW में दर्ज किया गया मामला, कोतवाली थाने में ये पूरा मामला दर्ज किया गया है। बड़ी और अहम जानकारी हम आपको बता रहे हैं, रायपुर से सामने आ रही है। अगर आप भी UPI और Paytm और PhonePe का इस्तेमाल करते हैं तो सावधान हो जाइए, किसी भी अनजान व्यक्ति के झांसे में ना आए। और वही आपको बता दें कि UPI मनी ट्रांसफर के जरिए ठगी करने का ये मामला सामने आ रहा है और नया गिरोह सामने आया है। ठग दुकानदारों से पैसा अपने खाते में ऑनलाइन ट्रांसफर करवाकर फिर कैश लेने की बात कहकर उनको चपत लगा रहे हैं। तस्वीरों में दिख रहा है ये व्यक्ति UPI मनी ट्रांसफर के जरिए ठगी करने वाला शातिर है, जो अलग अलग दुकानों में जाता है, फिर वहां से सामान खरीदने की बात कहता है। उसके बाद दुकानदार को कहता है, मेरे पास एक्स्ट्रा कैश है, मैं आपको कैश दे रहा हूं, उस पैसे को आप मुझे ऑनलाइन ट्रांसफर कर दें। पैसा आते ही गाड़ी के पास जाकर पैसा निकालने की बात कहता है और चंपत हो जाता है। रायपुर के स्टेशन रोड पर स्थित एक मोबाइल दुकानदार को निशाना बनाते हुए CCTV कैमरे में ये तस्वीरें कैद हुई हैं। पुलिस आगे की जांच में जुटी हुई है। वो बोला कि आप फोन पे कर दीजिए मेरे अकाउंट नंबर पे और मैं बाकी पैसा को कैश समेत आपको देता हूँ, मतलब पूरे पैसा को देता हूँ। तो उस पर से वो फोन पे कर दिया। उसके बाद वो जब डिक्की में निकालने के लिए गया पैसा, और वहां से फिर वो चपत हो गया। बाद में पता चला कि वो व्यक्ति उसको मोबाइल खरीदने के नाम पे झांसा देकर फोन पे के माध्यम से पैसा लेकर गायब हो गया है। उनका फोन पे डिटेल वगैरह ले जाकर उनकी पतासाजी की जा रही है। राजधानी रायपुर में नए तरीके से साइबर ठगी का मामला सामने आया है, जहां पर मोबाइल खरीदी का झांसा देकर UPI पेमेंट के जरिए आरोपी ने चंपत लगाकर फरार हो गया है। इस मामले में पुलिस के हाथ में CCTV फुटेज भी आए हैं। बताया जा रहा है इस आरोपी ने अलग अलग मोबाइल दुकानों को अपना निशाना बनाया है। बहरहाल देखना होगा आरोपी को पुलिस कब तक गिरफ्तार कर पाती है। कैमरामैन मलकीत सिंह के साथ मोहम्मद सैन, NH 24/7 रायपुर।
तो फिलहाल इस बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही। तमाम ताजा खबरों के लिए देखते रहिए INN 24/7। नमस्कार।